बच्चों एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें से 4 मार्क्स का बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और आप लोगों के टेस्टों में भी, और इस लिहाज से ये काफी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे 2.4 एक्सरसाइज है वैसे ही 4.2 एक्सरसाइज है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि इसमें अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज हुए हैं। अब अलजेब्रिक फार्मूलाज कौन कौन से यूज हुए हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर अभी 3 लिखे हैं। 3 अलजेब्रिक फार्मूलाज में सबसे पहला फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, और बीच में साइन किसका है, प्लस का। जब साइन प्लस का आएगा तो फार्मूला आएगा 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला यही है, सेम इसी तरह है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इधर से a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, तो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, 4ab में। थर्ड फार्मूला, आप लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला तो पढ़ा है, लेकिन अब एक नई आइडेंटिटी जिसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी 3 टर्म का होल स्क्वायर है, जब इसको ओपन करते हैं तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस bc प्लस ca। यानी अभी मैं आप लोगों को 4.2 एक्सरसाइज के जो पहले 4-5 क्वेश्चन है जिसमें इन 3 आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन होती है, पहले वो सिखाऊंगी मैं आपको। इस तरह जिस तरह जैसे जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक फार्मूला चेंज होते जाएंगे, वैसे मैं फार्मूला भी लिखती जाऊंगी और उसकी एप्लीकेशन करना भी सिखाती जाऊंगी। अभी इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखते ही पता चलता है कि कौन सा फार्मूला है। यानी यहाँ ए प्लस बी होल इज इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 और ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपने मालूम करना है। यही से पता चल गया कि यहाँ फार्मूला कौन सा आएगा, जब ए प्लस बी का भी सेट है ए माइनस बी का भी सेट है, हम देखते हैं ए प्लस बी भी है ए माइनस बी भी है, तो और मालूम क्या करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये 2 × a² प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला ये वाला यूज हो जाएगा। तो उसके मुताबिक मैंने फार्मूला पहले लिख दिया है बाय यूजिंग द फार्मूला, क्या फार्मूला यूज हो रहा है, 2 × a² प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर। आपके पास a प्लस बी की वैल्यू भी दी हुई है, 10² बन जाएगा, यहाँ a माइनस बी की वैल्यू दी है 6² बन जाएगा, 2 × a² प्लस बी स्केयर वैसे ही आता जाएगा, 10 का स्केयर खोलें तो 100 बनता है, 6² खोलें तो 36 बनता है, इन दोनों को आंसर को ऐड करें तो 136 बनता है। इधर से चूंकि मुझे 2 × a² प्लस बी स्केयर मालूम नहीं करना, बल्कि क्या मालूम करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो उसके लिए जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 68। इस तरह आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर की क्या वैल्यू गेन कर ली है, 68। अब अगले इसी को सेकंड पार्ट इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें, तो वहां पर भी ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू भी दी हुई है, ए प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू √17 दी हुई है, जबकि आपने ए भी मालूम करना है। तो हमें इस तरह से ही पता चल गया कि पॉजिटिव सेट भी मौजूद है, नेगेटिव सेट भी मौजूद है, लेकिन अब हमने 2 × a² प्लस बी स्केयर नहीं मालूम करना, बल्कि ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 4ab वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और मैंने ये फार्मूला लगाया, इसके मुताबिक पॉजिटिव की भी वैल्यू पुट की, नेगेटिव की भी वैल्यू पुट की, आपने स्केयर स्केयर रूट से काट दिया, यहाँ से मेरा 17 बचा, यहाँ 25 आया, इन दोनों को माइनस किया 8 आया। अब चूंकि मुझे ए बी मालूम करना है, 4ab मालूम नहीं करना, तो 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस तरह आपने ab की क्या वैल्यू गेन कर ली है, 2। अब जो इसमें थर्ड वाली आइडेंटिटी को अगर आप देखें तो 3 टर्म का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको अगर खोलें तो ये कैसे बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मैंने सबका 2 कॉमन लेते हुए 2 × ab प्लस bc प्लस ca, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस आइडेंटिटी की एप्लीकेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उठाया है, आप देखें कि मेरे पास ये जो वैल्यूज गिवन है ये सारी गिवन वैल्यूज है, m plus np is equal to इस वक्त मेरे पास है 10 और mn plus np plus pm is equal to 27 है, m square plus n square plus p square मालूम करना है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a square को, ये b square को, ये c square को, यानी ये हमें मालूम करना है। तो मेरे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो ये, अगर आपको नजर आ रही है तो सबसे पहली फर्स्ट वैल्यू है, मैंने यहां से इसको उठाना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ वी हैव करके, मैंने ये पूरा सेट यहाँ से लिया है, m plus n plus p इज इक्वल टू 10। अब दोनों साइडों पे स्केयर लेंगे तो मैंने यहाँ लिखा स्केयरिंग बोथ साइड, इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर लिया, इस स्केयर को जब ओपन करेंगे तो ये आइडेंटिटी वही है जो आपको नजर आ रही है, कैसे खुलेगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या हो रही है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस 2 × mn plus np plus pm इज इक्वल टू 10 का भी स्केयर जब उधर ओपन होगा तो 100 होगा, और इधर पूरी आइडेंटिटी आपने खोल दी। अब इसमें से ये हिस्सा तो आपने मालूम करना है, इस हिस्से को ऐसे ही चलाएंगे, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं
ये जो MN प्लस NP प्लस PM है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उसकी वैल्यू दी हुई है, वो क्या है 27। आप वहां पर पुट करेंगे और 2 × हो जाएगा, उधर से 10 का स्क्वायर 100 वैसे ही आएगा, यहाँ 227 से मल्टीप्लाई कर प्लस 54 होगा, जो यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला पूरा इसी तरह सेट रह जाएगा, क्योंकि आप लोग बेसिकली इसको मालूम कर रहे हैं ये फाइंडिंग वैल्यूज है। तो जब आपका आंसर आएगा 46 तो ये आपने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मालूम किया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग 2, 3, 4, 5 आप देखें तो 5 तक यही आइडेंटिटी की एप्लीकेशन होती है। आप इसको अपनी बुक से चेक कर सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दे दिया है, बाकी 5 क्वेश्चन भी इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं। अब एक नई आइडेंटिटी उसकी एप्लीकेशन मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब एक नई आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है ए प्लस बी होल क्यूब की और ए माइनस बी होल क्यूब की। ये दोनों आइडेंटिटीज आपने क्लास 8th में पढ़ी हुई है, इसको जस्ट रिवाइज करना है और इसकी एप्लीकेशन में सिखाऊंगी आप लोगों को। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जब खुलती है तो ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, आपने देखा पूरे जगह पर साइन कौन से यूज हो रहे हैं प्लस के। इसी तरह ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जब खुलती है तो ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब, आप यह देखें कि सारे साइन दोबारा माइनस के यूज हो रहे हैं। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को पहले आपने लर्न करना है, यानी लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इसकी एप्लीकेशन देखें कि एक क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि हमने इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया है, यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है। मैंने इस सॉल्व करने के दो तरीके हैं, बहुत सारे बच्चे तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी लगाते हुए एक अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बहुत इजी वे आप लोगों को बताया कि आप x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पर, तो आप दोनों साइडों पर क्यूब ले लें। तो आप लिखें टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों साइडों पर क्यूब लें, इस पर पूरी आइडेंटिटी खुल जाएगी। यानी x प्लस 1/x होल क्यूब का क्या मतलब है कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी होल क्यूब की। आप पूरी आइडेंटिटी खोलें, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, ये पूरी आइडेंटिटी है। और ये अगर आप इन दोनों को लर्न कर लेंगे इन आइडेंटिटीज को, तो ये इसको खोलना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और वैसे भी आपने क्लास 8th में भी इसकी एप्लीकेशन सीखी हुई है, इधर से 3 क्यूब खुलेगा तो वो क्या आंसर देगा 27। अब आप देखें कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये आपने फाइंड करना है और उसके बाद x 1/x के साथ प्रोडक्ट में है, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस 1/x रह गया। अब अगर आप ऊपर जाएं तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है, आप इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है 3। इस तरह से 3 इंटू 3 क्या आंसर देगा 9। आपने 27 को वैसे लिखते जाना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को वैसे लिखते जाना है, ये जो प्लस 9 है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 9, और आप देखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आपने क्या वैल्यू फाइंड कर ली है 18। इस तरह से ये क्वेश्चन 10 मैंने लिखा है, यहां तक आप क्वेश्चन नंबर 13 तक इन्हीं दो आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन है। पहले आप इनको सीखें और इसकी एप्लीकेशन करके देखें, इसी तरह की एप्लीकेशन सारे क्वेश्चंस में होंगी। अच्छा बच्चों, हम एक नई एप्लीकेशन, नई आइडेंटिटीज अब आपने पढ़नी है अगले क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए। आप देखें कि यहाँ पर अलग अलग क्यूब है, पहले आपने ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई थी, अब आपने ये नई आइडेंटिटी सीखनी है। इसमें आप लोगों ने पहले होल क्यूब लिया था, अब ये आपका सेपरेट क्यूब है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ए क्यूब अलहदा है प्लस बी क्यूब अलहदा है, तो ऐसे में इसकी जब आइडेंटिटी खुलेगी तो कैसे खुलती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यानी आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है पहला वाला, अगर आपके पास सेट पॉजिटिव है तो याद रखने के लिए, अगर आप लोग इन दोनों में डिफरेंस को याद रखने के लिए जहन में रखें कि जो बाहर पॉजिटिव होगा तो अंदर जो मिडल वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, और इसी तरह जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आए तो ए माइनस बी का सेट बाहर होने की वजह से अंदर के सारे साइन प्लस के होंगे। यानी याद रखने के लिए, इन दोनों में डिफरेंस रखने के लिए आपको ये आइडेंटिटी पहले लर्न करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन देखें तो फिर आपको एप्लीकेशन बहुत आसान लगेगी, जब आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए फैक्टराइज है, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने सेकंड पार्ट उठाया है। अगर फैक्टराइज को देखें तो यहाँ पर कैसे उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर आप देखें 8x क्यूब ये एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 2x होल क्यूब का। इसी तरह 1/27y³ है, तो आप देखेंगे 27y³ किसका परफेक्ट क्यूब है, ये 3y का परफेक्ट क्यूब है, 1 तो ऑलरेडी एक परफेक्ट क्यूब है ही है। तो अब जब मैंने इसको क्यूबिक फॉर्म में लेकर आना है तो डेफिनेटली मैंने इसको कैसे लिखना है, 2x होल क्यूब माइनस 1/3y होल क्यूब।
अब मैं देखती हूँ ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, बीच में साइन किसका है, माइनस का। ये आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप देखें तो ये कैसे खुलती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इसकी इसको इस पर इसकी एप्लीकेशन, इस आइडेंटिटी कैसे होगी कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी को। तो ए क्यूब के मुताबिक मैंने जब ए क्यूब ये बी क्यूब है तो जब इसको खोलेंगे तो मैंने डेफिनेटली इसको पहला क्या सेट लिखना है, 2x माइनस 1 बाय 3y यानी a माइनस b इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2x होल क्यूब प्लस का साइन है, और फिर ए बी की वैल्यू आएगी, तो ये ए है ये बी की वैल्यू है, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे। आगे फिर प्लस का साइन है तो बी क्यूब को, बी स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बाय 3y होल स्क्वायर। ये आपने देखा कि मैंने अंदर स्क्वायर लिए हैं, लेकिन इसको इनके स्क्वायर शो करने के लिए मैंने किस ब्रैकेट की सपोर्ट ली है, स्क्वायर ब्रैकेट की सपोर्ट ली है। अब आप इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ओपन हो जाएंगे, तो इसके स्क्वायर ओपन करें तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 2x होल स्क्वायर का क्या रिजल्ट आएगा, 4x स्क्वायर। 2x 1 by 3y इसका मतलब है 2x न्यूमिरेटर है, 3y डिनोमिनेटर है, इसको एज इट इज लिख देंगे, इनमें कटिंग तो हो नहीं सकती, तो इसको ये न्यूमिरेटर ये डिनोमिनेटर इस तरह से लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर ओपन होगा तो डेफिनेटली क्या आंसर आएगा, 1 by 9y होल स्क्वायर। और इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। जो यहाँ पर इसी ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट के सवाल हैं। कंटिन्यूड प्रोडक्ट में आपने देखना है कि ये फाइन प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला है, फाइन प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला, यानी अगर मैं इनकी प्रोडक्ट गेन करूंगी तो इसको बाय यूजिंग फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगर मैं इससे पहले आप लोगों को ये कहूँ कि ये दो आइडेंटिटीज आप बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि अपनी बुक पर या कॉपीज पर आप सॉरी अपनी कॉपीज पर इसको 5-5 दफा इसको लिख लेंगे तो आपको इसकी एप्लीकेशन करना आसान लगेगी। अब आप लोग बेसिकली प्रोडक्ट तो मालूम करने जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन को जहन में रखिएगा, बाय यूजिंग फार्मूला। अब ये अगर इस सारे क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 उठाऊं तो ये a माइनस बी है, इसको मैं अकॉर्डिंग फार्मूला, मेरे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखी जाए तो क्या बनती है 2x स्क्वायर माइनस 1 की। आपको मैंने बताया था कि a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए आपने ज़हन में रखना है कि अगर पहला आपका सेट a माइनस b है तो अंदर के सारे साइन प्लस के हैं, और इसी तरह जब आप 2x स्क्वायर माइनस 1 के सेट को अटैच करेंगे तो डेफिनेटली इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर आप देखें तो उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव, दोनों जगह पर पॉजिटिव साइन आने चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसको अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करूं तो ये आपकी पूरी एक आइडेंटिटी की फॉर्म बन जाती है। इसी तरह बेस वैल्यूज पर आपका एक और अनदर सेट है 2x स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि अगर पॉजिटिव सेट बाहर होगा तो अंदर की मिडल वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होगा, तो मैं अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखूं तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अगले ही स्टेप में पहले मैं इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लेकर आती हूँ। ये मैंने बेस वैल्यूज का सेट, यानी ये मेरे पास बेस वैल्यूज है 2x स्क्वायर माइनस 1, मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ये पूरी आइडेंटिटी बन गई। इस तरह जब मैंने इसको इसके साथ अटैच किया तो ये पूरी अनदर आइडेंटिटी बन गई। तो ये अगर देखी जाए तो ये नेगेटिव है, यानी ये a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी की एप्लीकेशन है। यहाँ पर एप्लीकेशन किसकी आ जाएगी, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी की एप्लीकेशन आएगी। तो यहां तक ध्यान दें तो अगर आप लोग देखें तो ये पहली आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी क्या है ये देखें कि मैं इसको कैसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लेकर जाती हूँ। बेस वैल्यू का ख्याल रखें कि ये आपकी बेस वैल्यू है 2x स्क्वायर, इधर से b की बेस वैल्यू क्या है 1, यानी a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। इसको मैंने एज इट इज नीचे उतारा तो 4x 4 किसका स्क्वायर है, जिस परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। और प्लस 2x स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपके पास ये वाली a की वैल्यू b की वैल्यू ये दोनों आपस में इंटू हो रही हैं, तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर इंटू 1, ये a b की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, और प्लस b की वैल्यू क्या आपके पास 1 उसका स्क्वायर ले लिया, यानी ये a स्क्वायर लिया, ये प्लस a b लिया प्लस b स्क्वायर लिया। इसी तरह की फॉर्म आप अगली आइडेंटिटी को देख लेंगे कि आप उस बेस वैल्यूज के सेट को एज इट इज उतारेंगे, अगले स्क्वायर्स को आप दोबारा कन्वर्ट करेंगे, ये a स्क्वायर है, ये माइनस a b है, ये प्लस b स्क्वायर है। तो ये देखिए मैंने इसको कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 4x 4 को 2x होल स्क्वायर में,
और माइनस टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो बेस वैल्यू देंगे, इसकी बेस वैल्यू टू एक्स स्क्वायर और ये वन है, मैंने इसको ए बी करके लिख दिया टू एक्स स्क्वायर वन और उसके बाद प्लस वन का स्क्वायर। ये आप देखें तो ये मैंने पूरी इसकी पहले मैंने इनको आइडेंटिटी की फॉर्म में इकट्ठा किया, फिर मैंने उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में उसकी एप्लीकेशन की है। अब हम लोग ने ये अगर देखा जाए तो ये पूरे का पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये बेस वैल्यू है बच्चों टू एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, वन के ऊपर क्यूब आ जाएगा। इधर दूसरी बेस वैल्यूज आपके पास क्या है, टू एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, वन के ऊपर क्यूब आ जाएगा। और आपने देखा कि मैंने इनकी क्यूबिक फॉर्म लेते हुए इन दोनों के लिए कौन सी इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी ब्रैकेट का यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। उसके बाद टू एक्स स्क्वायर को जब होल क्यूब उसका खोला जाए तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी 2, यहाँ पर डबल पावर है तो ये 2 3 इधर क्या हो जाएगा 6, यानी रिजल्ट क्या है 8x 6 माइनस 1, इसका रिजल्ट क्या आएगा 8x 6 प्लस 1। अब यहाँ पर आप आकर देखें तो एक नेगेटिव सेट है, एक पॉजिटिव सेट है, आइडेंटिटी की एप्लीकेशन क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 8x 6 उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1, और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। अब जब आप 8x6 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 8 दैट 64 और 62 दैट 12, यानी 64x12 माइनस 1 इसका रिजल्ट है। और इसी तरह आपने इस प्रोडक्ट को बाय यूजिंग द फार्मूला इस्तेमाल करना है, सॉरी बाय यूजिंग द फार्मूला इसकी एप्लीकेशन करनी है, अदरवाइज आपका सवाल ठीक नहीं होगा।